Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to create New Year poster. So let's start. Go to File and New. यहाँ से हमें A4 size select करना है. Go to Print and A4 size select करेंगे and then Create. And उसके बाद हम यहाँ पे Gradient tool select करेंगे और यहाँ पे अपना gradient create करेंगे. उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट फिल कर दिया है. एंड अगर आपको यहाँ पे पॉइंट ऐड करना है तो सिंपली जब ये कर्सर आएगा हैंड वाला तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये कर्सर ऐड हो जाएगा. एंड मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर लिया है एंड देन ओके. और यहाँ पे हम अपना ग्रेडियंट कलर फिल करेंगे एंड इस लेयर को अनलॉक कर लेते हैं. एंड देन इस लेयर की हम एक डुप्लीकेट लेंगे और इस पे नॉइस ऐड करेंगे. गो टू फिल्टर नॉइस एंड ऐड नॉइस. आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं अमाउंट और कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. मैं यहाँ पे 18 अमाउंट एंटर कर रही हूँ एंड ओके. एंड इस लेयर को हम लॉक कर लेते हैं यहाँ पे. एंड नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस डाउनलोड हुई है जो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ. तो इसको हम ओपन कर लेते हैं पहले यहाँ पे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये स्नो यूज कर रही हूँ. तो हम यहाँ पे बॉटम में यूज करेंगे. एंड नेक्स्ट मेरे पास ये इफेक्ट है, इसको हम टॉप पे यूज करेंगे. इसको हम यहाँ से ब्लेंड कर देंगे. मैं इसको यहाँ पे सॉफ्ट लाइट में ब्लेंड कर रही हूँ. एंड अब हम इस दोनों लेयर को भी लॉक कर देंगे. एंड नेक्स्ट मेरे पास ये हैंगिंग है. इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे. इसकी एक डुप्लीकेट लेकर यहाँ पे रीसाइज कर देंगे और इसके साथ ही लगा देंगे यहाँ पे. अगेन इन दोनों लेयर की कॉपी लेनी है. कॉपी के लिए आप कंट्रोल जे भी प्रेस कर सकते हैं, इससे आपकी लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी. एंड देन कंट्रोल टी और फ्लिप. तो नेक्स्ट हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे. आप यहाँ पे फॉन्ट देख सकते हैं मैंने कौन सा यूज किया हुआ है. एंड आप इसकी जगह लोगो भी यूज कर सकते हैं अपना. मैं यहाँ पे टेक्स्ट यूज कर रही हूँ.
नेक्स्ट मेरे पास ये स्नोफ्लेक्स है एंड इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने लोगो के नीचे. नेक्स्ट हम इसमें 2023 में ग्रेडियंट यूज़ करेंगे. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लेयर स्टाइल ओपन कर लिया है एंड यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले सेलेक्ट कर लें आप. यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेडियंट फिल है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था यहाँ पे. तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट कलर इसका चेक कर सकते हैं मैंने कौन सा कलर कोड ओपन किया है. मैं आपको सारे ओपन करके दिखा देती हूँ एक बार. आप यहाँ पे मल्टीपल ऐड कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे 5 पॉइंटर्स ऐड किए हैं एंड ओके. इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रोक यूज करेंगे. स्ट्रोक में वाइट कलर डिफॉल्ट सेलेक्ट है एंड स्ट्रोक साइज 10 है एंड देन हम यहाँ पे ड्रॉप शैडो यूज करेंगे. ओके सो नेक्स्ट हम यहाँ पे न्यू ईयर फॉन्ट में भी ड्रॉप शैडो यूज करेंगे. इससे पहले हम इसको इसके अकॉर्डिंग अलाइन कर लेते हैं. तो नेक्स्ट हम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेंगे और एक शेप क्रिएट करेंगे. एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके सेंटर में हमें एक पॉइंट ऐड करना है एंड सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. ऐसे ही हम इस साइड भी करेंगे.
तो लास्ट इमेज मेरे पास ये स्नो की है, इसको हम यहाँ पे अपने डिजाइन में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ब्लेंड कर लेंगे। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में ब्लेंड करेंगे एंड इस लेयर के नीचे रख देंगे टेक्स्ट लेयर के। इससे पहले हम इसकी एक डुप्लीकेट ले लेते हैं एंड इसको ऑफ कर देते हैं लेयर को, और इस लेयर को यहाँ पे हम इस टेक्स्ट के नीचे रख देंगे। एंड इसका जो एक्स्ट्रा एरिया है इसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे। नेक्स्ट जो हमने डुप्लीकेट लिया हुआ था इसको हम इस फॉन्ट के नीचे यूज करेंगे यहाँ पे, एंड इसकी एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं। और इस लेयर को हम अगेन इस लेयर के नीचे रख देंगे। तो इस स्टार को भी मैंने यहाँ पे इस लेयर के नीचे रख दिया है। एंड उसके बाद हमारी जो ये वाली लेयर है ट्रीज वाली, यहाँ पे आपको एक न्यू लेयर लेनी है एंड देन ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको ब्लैक ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है बोथ साइड, और हम एक साइड की ओपेसिटी को 0 कर देंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंड इसके बाद हम इस ओपेसिटी को कम कर देंगे। इससे हमारा डिजाइन कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा न्यू ईयर पोस्टर रेडी हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।